टिकटॉक पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आवेश भाई अभी तो आवेश के यहाँ आया हूँ, तो इनसे अच्छा कौन है, ये खुद एक बहुत बड़े स्टार हैं। फिर फैसू भाई की जो 07 टीम है वो सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, और जन्नत रियाज बहुत ही, मेरा भाई बहुत ही अमेजिंग करता है, और बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट वो श्रवण कुमार को भी काफ़ी इन्जॉय करता हूँ मैं तो। मुझे नहीं लगता कि वो टेररिज्म को ऐसा सपोर्ट करते, मुझे लगा उन्होंने करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि क्या है जब आप कंटेंट बनाते रहते हो तो फिर आपको लगता है कि चलो ये भी कर देते हैं वो भी कर देते हैं, पर हमें हमारी हदें हमारी बाउंड्रीज़ कई बार आर्टिस्ट को उतनी क्लियर नहीं होती, तो उनसे मेरे ख्याल से जोश जोश में हो गया, बाकी अकाउंट वापस मिल जाना चाहिए, बहुत मेहनत से बनाया उन्होंने, और बहुत मेहनत आसान नहीं है यार वहाँ तक पहुँचना, तो आई थिंक अकाउंट वापस मिल जाए, बाकी उन्होंने सॉरी तो बोल दिया है। वो भी काफ़ी मिला है, वो तो बहुत अच्छा मिला, और वो तो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, इतना हार्डवर्क उन्होंने किया है उनको, मेरे हिसाब से इतना कोई हार्डवर्क, लाइक हम भी काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, बट जितने टाइम से वो लोग कर रहे हैं, बट वो इतना मिला है उनको फेम, दे डिजर्व इट। जैसे हम पहले भी बोले कि हमारे लॉ पे, जो इंडिया का लॉ है, हमें पूरा भरोसा है, और ऑब्वियसली थिंग्स आगे आके बहुत बेहतर होने वाली है, थिंग्स गोना बी बेटर, और जैसे मैं हमेशा हर इंटरव्यू में यही बोला है मैंने कि वी आर अ फैमिली, सो ऑब्वियसली वी आर वेरी हार्ड, वी आर डिसहार्टेंड अबाउट इट, बट आई एम रियली श्योर कि सारी चीज़ें ठीक होंगी और सब कुछ अच्छा होगा। ये सेंसिटिव टॉपिक है बहुत ये, और आई थिंक यहाँ पे इस हैप्पी मोमेंट में, आई डोंट नो, बट वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, ऑफ कोर्स एवरीथिंग विल बी गुड, बट उनसे बात हो पाई ऑफ कोर्स, हम टिकटॉक हम सब लोग टिकटॉक बनाते हैं, तो वी आर अ फैमिली, तो ऑब्वियसली हमारा बातचीत तो लगा ही रहता है। हाँ, तो जैसे पहले बोला कि वी आर रियली पॉजिटिव अबाउट, वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट, सो बिकॉज वी बिलीव इन आवर लॉ। स्पेशल हम स्पेशल ये था कि हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन आज था, क्योंकि हम थक हार के लाइक बहुत थक गया है, यहाँ पे उम्र मर गया है कि नहीं यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो वो काफ़ी स्पेशल था। ये एक्चुअली इसके कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हम लोकेशन अपनी बता नहीं सकते, बट हम बहुत दूर रहते हैं, मतलब हम मुंबई के बाहर रहते हैं ऑलमोस्ट, तो हमने 2 घंटे लगे हमें यहाँ आने में, तो मतलब दैट इटसेल्फ इज अ स्पेशल थिंग, क्योंकि हम लोग ना कहीं बाहर ही नहीं निकलते, हम लोग आसपास रहते सब, और वहीं हम लोग वीडियोज़ बना के खुश हो जाते हैं, तो हम लोग बाहर ही नहीं निकलते, तो हम 2 घंटे ट्रैवल करके आते हैं, लाइक ओके ठीक है, लेंगे हम सेल्फी लेते हैं, रुको मैं अच्छी वाली सेल्फी लेंगे। नो नो, हम 2 घंटे ट्रैवल करके आए, वी हैव टू ट्रैवल 1.5 आवर टू रीच, या बाय कैब, ये पास ही रहती है, उतना पास नहीं है, सेम ही हुआ तुम्हारा और मेरा, नहीं राजी सोच रही थी कौन से कपड़े पहनूंगी मैं, ट्रू, मैं यहाँ क्या क्या पहन के आ सकती हूँ, क्या क्या वीडियो ले सकती हूँ भाई। ओके, सबसे पहला कोई कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल दिमाग में चल रहा है इस यहाँ पे डांस, सबसे ये स्टूडियो को देखिए, सब डांस दिमाग में आ रहा है मेरे, मैं सोच रहा हूँ कौन कौन से डांस यहाँ पे कर सकता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से स्टाइल में ट्राई कर सकता हूँ डांस के, कुछ कौन कौन से टिप ले सकता हूँ आवेश भाई से, और मैं ये सोच रही हूँ मैं कितने ब्लूपर्स दे सकती हूँ, कितने टेक्स ले सकती है मैक्सिमम। We love you and please हंसते रहो, हमारे वीडियो देखते रहो, स्माइल करते रहो, we love you, thank keep supporting you. us, bye bye, thank you so much। यार कहते हैं कि हम लोग हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है, जो यंग बच्चे हैं, उनको सपोर्ट हमें करना चाहिए, ऐसे ही कुछ 07 टीम के बच्चे हैं, फैसल शेख, अदनान, हाँ शादान, फैज, हसनैन, ये 5 बच्चों ने एक टिकटॉक पे एक छोटा सा वीडियो बनाया। अच्छा बनाया ये वीडियो 171 मिलियन लोगों ने, कितने 171 मिलियन लोगों ने ये वीडियो बनाया, यानी कि आधे हिंदुस्तान ने वीडियो बनाया है, लेकिन 5 लोगों को
पांच लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ ये पांचों को, इन्होंने इतनी मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक नाम बनाया है, बहुत मेहनत करते लड़के ये लोग, और आज उनके साथ ये बर्ताव कि ये पांचों ने भारत देश में दंगे फैलाने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की, ऐसे आरोप उन पे लगा के, उन पे एफआईआर करके, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल इतने फेक न्यूज चला रहे, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। ये पांचों बच्चे अपनी मेहनत से इतने आगे बढ़े, इतने लोगों का अकाउंट है, लेकिन सिर्फ ये इनके अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, इनकी सक्सेस को रोका जा रहा है, क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग मुसलमान है पांचों? क्या सिर्फ इसलिए? मैं महाराष्ट्र के सीएम से ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के साथ राजनीति हो रही है सर, ये कॉलेज के बच्चे जो अपना करियर बना रहे, इसके जरिए अपना घर चला रहे, अपने मां बाप को पाल रहे, अपने सपनों को पूरा कर रहे, उनके साथ राजनीति कर रही है सर लोग, तो सर ये बहुत गलत चीज हो रही है। मेरा महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी से, अबू हाशमी हाशमी जी से, मैं ओवैसी जी से, जितने भी लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि इन बच्चों के साथ राजनीति ना किया जाए, इनको अलग छोड़ दिया जाए सर। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं और मैं सब लोगों से कहता हूं, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर मारिए पहले तो उसके पहले वाला वीडियो और ये वीडियो, सिर्फ वीडियो देखा ना करो, उंगली में जान लाओ, गोली नहीं चलानी है, शेयर मारना है, शेयर मारना है, गोली नहीं चलानी है, इतना तो करो, लाइक मार देते हो, कमेंट मार देते हो, उसको शेयर मारो। सारे वीडियो जो मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्या मैं अकेला जेल जाऊं हर बार? मेरी भी फैमिली है यार, मेरे भी बच्चे हैं भाई, अगर मैं आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं तो कम से कम मेरा साथ तो दो यार। हर बार मैं अकेला पड़ जाता हूं, पुलिस आ जाती है घर पे, जेल ले जाते हैं, जेल में डाल देते, ड्रग्स का केस लगा देते, ये कर देते, वो कर देते, उसके बाद भी मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरे घर वाले मना करते, बीवी मना करती है, दोस्त मना करते, डायरेक्टर मना करते, लेकिन मेरे सच के लिए मेरी आवाज उठेगी, तो उसको शेयर मारो और उनका साथ दो, उनको सपोर्ट करो। आई स्टैंड विद 07, प्लीज यू ऑल स्टैंड विद 07 टीम, और उनको सपोर्ट करो, और इसके पहले की भी जो वीडियो है वो भी शेयर मारो यार, देखो मत, शेयर मारो, लोगों तक पहुंचाओ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। आज की शाम क्या खास होने वाला है आप लोगों के साइड से? इसके बारे में
आई थिंक वी गेटिंग एन अवार्ड फॉर द सॉन्ग, ये खुद ही बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं. या ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सक्सेस एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी. सबका बहुत अच्छा एफर्ट्स और इनपुट था और लोगों ने इतना प्यार दिया है तो ऑफ कोर्स हम बहुत खुश हैं. आज हमें अवार्ड मिल रहा है, सो इट्स द फर्स्ट टाइम मुझे पता भी लग रहा है किसी गाने को भी ऐसे अवार्ड मिलता है. मैं पहली बार, हमेशा सिर्फ अपने इंडिविजुअली अवार्ड्स के लिए अटेंड करती थी फंक्शंस, लेकिन आज पहली बार यू नो एक टीम वर्क के लिए और एक पूरे गाने के लिए अटेंड कर रही हूं. सो वेरी हैप्पी. मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग था ये और फर्स्ट सॉन्ग में अवार्ड मिल रहा है तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ. मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड लेते रहेंगे. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. आई डोंट से कि वो बताता है कि यू नो एक एक्टर कितना वर्सेटाइल है और क्या क्या कर सकता है, बट आई थिंक ना वो मोटिवेट करता है यू नो, मतलब मुझे पर्सनली तो करता है क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो आपको एक ना मोटिवेशन मिलता है, ओ आई गॉट एन अवार्ड नाउ आई डू बेटर, इससे बेटर इससे बेटर. सो आई थिंक वो एक फैक्टर होता है बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर उसी से उसको पता लगे कि उसको अवार्ड नहीं मिला तो वो अच्छा एक्टर नहीं है या फिर यू नो वो किसी से बेटर नहीं है या वो किसी से कम है, वो एक अवार्ड नहीं बताता. लेकिन हाँ ऑफ कोर्स मोटिवेट करता है. ओके कॉपी पेस्ट. वेरी शाय शाय है या नर्वस? दोनों. सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मायने रखता है अवार्ड? आई थिंक हम सब ने इतनी मेहनत की है इस गाने को लेके एंड आई थिंक जब आप बहुत मेहनत करते हो, आप किसी चीज़ की तरफ इमोशनल होते हो, तो जब आपको उस चीज़ के लिए अवार्ड किया जाता है तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग. सो आई थिंक हम वो एक गुड फीलिंग सारे मिलके एंजॉय कर रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर एंटायर टीम यू नो हु इज़ बीन सपोर्टिंग अस फॉर दिस सॉन्ग एंड जन्नत्स डैड इज़ हियर, सुबेर जी, मैम, श्रुति, एवरीवन. सो ये इनके बिना गाना अधूरा था. Sure, because इस बार ये वाले सॉन्ग के अंदर में था. अयान का भी पहला सॉन्ग था गेस्ट ऑफ पेरेंट्स. अयान गेस्ट ऑफ पेरेंट्स इट्स अ बिग थिंग. अयान इट्स अ बिग थिंग. नाउ नेक्स्ट टाइम अयान विल बी देयर इन द फुल सॉन्ग. ही इज गोइंग टू डू फुल अपीयरेंस नाउ. पूरा रिश्ता मीडिया से ही है क्योंकि आज जो भी है मीडिया से ही रिलेटेड है और यहाँ पे ये एक्सपेंडेबल अवार्ड में आप लोग जर्नलिस्ट को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, इन लोगों को कोई अप्रिशिएट नहीं कर, मतलब जो असल में उन्हीं लोग मतलब अप्रिशिएशन के हाँ, तो उन लोगों को जो अप्रिशिएट करें बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को. आप लोग ऐसे ही हम लोग को एंटरटेन करते रहो, हम लोग भी आपको एंटरटेन करते. हम लोग भी एंटरटेनर ही है, हम लोग भी है ना टिकटॉक बनाते हैं, हम लोग भी लोगों को एंटरटेन करते हैं, आप लोग भी एंटरटेन करते रहते हैं तो आप लोग से ही जो भी सीखते हैं हम लोग आप लोग से ही सीखते हैं. और जो भी मैसेज पहुँच नहीं पाता है लोगों तक वो आप ही लोग एक जरिया बन के लोगों तक पहुँचाते हैं, तो एक स्पेशल थैंक्स आता है आप लोग के लिए जो भी जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे मौजूद. सो बस और क्या. बस ऐसे ही प्यार देते रहो हम लोगों को और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और इंशाल्लाह हम लोग भी अच्छे से एंटरटेन करते रहेंगे. और यूनिटी बना के रखो, जैसे हम जैसा हम लोग एक साथ अपनी दोस्ती को हम लोग है ना एकदम जोड़ के रखते हैं. बता समझ समझा ना वैसे सब. थैंक यू थैंक यू. 12 बजे भाई तो मेरी ड्रेसिंग सेंस से आपको पता चल गया कि मैं किसके पास हूँ और किसके साथ हूँ अभी और किसका बर्थडे होगा. इनको आज लड़कियां मिली है 4-5-7 में वहाँ पे बाहर और नाम पूछ रही थी इनका ये कौन है ये कौन है. तो ये तो मैंने बोला भाभी के साथ है शिपा भाभी और ये तो सिंगल आदमी है, ये तो मतलब पैर मत मानना नीचे. हाँ जी सर सिंगल गाय. रोजे रमजान में भाई हमारे तरह भाई ने तो देख देख के हम लोग को भी चालू कर दिया जी. देखो लेकिन क्या बॉडी हो गई ना इसकी. सोबत का असर बहुत जरूरी है. आई शुड लव यू सो मच. थैंक यू सो मच. वाओ विश्मिल्लाह हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. हाय हेलो. Thank you so much.
ओए हेलो हाय हाय पशु भाई हेलो कैसे हो हम लोग ठीक है ओए होए वालेकुम सलाम क्या बात है Love you. भाई अभी फैजू ने एक नाच शेयर किया है वो प्लीज आप लोग भी शेयर करना हमारे नबी की बहुत अच्छी नाच है वो माशाल्लाह और महीना भी बहुत अच्छा है सो नेकियां लूट लो या वाव लुक एट दिस स्माइल स्माइल कहां से लगवाया तुमने जी भी लगवाना है ये और ये देखो ये इसने कराया है बाहर से कराया भाई इंशाल्लाह आएंगे जुम्मा को इफ्तारी में वाव बाहर से करवाया सलाम यू विल नॉट टेल मी नबी और दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना एंड कीप लविंग माय यंगर ब्रदर लाइक यू बर्थडे इजाज भाई शान भाई बोल रहे हैं थैंक यू शान भाई आई लव यू यार आई एम नॉट जेलस ऑफ यू बट आई एम जेलस ऑफ यू एवरी डे यू आर डूइंग जिम इन मंजगांव शान भाई देखो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे हैं तुमको क्या हुआ आई विल से दैट आई हैव अ बेटर बॉडी देन शान भाई बिकॉज़ शान भाई मैच्योर मसल है ना जानो माय एज इज 39 असलम हमारे बाजू में बैठा है Anybody want the number? I have. Inbox me, I can give you. क्या कुछ बोलना चाहोगे मियां फैसू They all come to my... देखो ये अदनान वो असनैन ये शादाब ये फैज तुम नहीं खा रहे हो खाना ये ये कौन है और ये रियाज भी हो बचपन का भाई आशिकता बोल रही है इसकी एक सीरियस गर्लफ्रेंड है उसको मैं जानता हूँ बता दो कौन है ये कौन है मालूम ये सलमान भाई ज्यादा करता है सलमान भाई ज्यादा सॉफ्ट एकदम इसको ऑफ कैमरा इज सो सोफिस्टिकेटेड इज सो क्यूट इज सो डिसेंट दिखाएंगे हम तुमको दिखाएंगे ये लोग पानी तो आलम भाई एक बोतल पानी लग गई ना वाओ तो खाना क्या खाया नहीं तू तो छोटे क्या ऐसा खाएगा तो कैसे चलेगा बेटा इसका भी नाम अदनान है बड़े बोतल दो दे दो इजाज़ भाई हाँ इसका भी नाम अदनान है तेरा भी नाम अदनान है क्या बात है दो दो अदनान इधर पार्टी कर रहे हो सऊदी में तो डिनर कर रहे हो पार्टी नहीं बाप का भी नाम जाहिद बेटे का भी नाम बहुत अच्छा लाइव देख लिया लगता है लाइव देख लिया वीडियो कॉल करे एक दोस्त है भाई लड़कियां नंबर 9819744122 ये इसका नंबर है करना पड़ेगा मेरा नंबर है अरे भाई दोनों बकरे का बुरा छोड़ दिया तुम सब साथ में निकले थे हेलो लोग सलाम कर रहे हो आपके सलाम कर आप नहीं जैसे अभी का फोन आ गया लाइन पे देख के बोले लड़की को नंबर देना अरे हमारा नंबर थोड़ी है वो तो हमारे बात थोड़ी है वो थोड़ा रख रहे या अल्लाह आओ खाना खाओ अच्छा तो आपके लिए इसमें भी एक थोड़े बहुत हीटर्स है ना दे रहे क्या बोल रहे गाली दे इग्नोर तुम लोग 07 वालों की अरे बुआ तेरी काके लिए बेटा एडल्ट पेज
कुछ कर लाइफ में, उसके बाद ऐसा कर। यह सुन्नत है, भूलना मत।